नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं होम्योपैथी की एक पेटेंट दवाई के बारे में जिसका नाम है आर ई पी एल ट्वेंटी वन नंबर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दवाई किन लक्षणों और किन बीमारियों में हम पेशेंट को देते हैं जानने के लिए वीडियो पूरा देखें लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस दवाई की सही डोज़ क्या होती है क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं जानने के लिए वीडियो पूरा देखें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें इस दवाई को हम ब्रोंकाइटिस में देते हैं ब्रोंकाइटिस क्या होता है हमारे जो लंग्स होते हैं फेफड़े होते हैं उसमें जो वायु मार्ग होता है उसमें कई बार सूज़न आ जाती है इन्फ्लामेशन आ जाती है ये किसी वायरस के कारण आ सकती है जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो या वायरल इन्फेक्शन हो गया हो तो ऐसे में अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती हो खांसी हो गई हो या फिर फ्लू जैसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हों तो ऐसे में से हम पेशेंट को देते हैं ये दवाई खांसी को तो ठीक करती ही है उसके कारण अगर पेशेंट को छाती में या फिर गले में बलगम महसूस हो म्यूकस महसूस दे रहा हो बार बार उसके कारण पेशेंट को परेशानी हो रही है सांस लेने में या फिर बोलने में तो उसको भी ये दवाई बाहर निकालती है चेस्ट में जो कॉन्जेशन रहती है इसकी वजह से उसको ठीक रखती है और खांसी को भी ठीक करती है चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं और वो कैसे एक्ट करती हैं पहली दवाई इसमें एकोनाइट डाली गई है ब्रोंकाइटिस में दवाई बहुत असरदार रहती है अगर पेशेंट को खांसी हो खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही हो पेल्पिटेशन हो घबराहट हो या फिर पेशेंट की पल्स रेट बहुत रैपिड जा रही हो फियर उसके अंदर देखने को मिलता हो बेचैनी हो तो उसमें दवाई बहुत असरदार रहती है खांसी को भी ठीक करती है वायरस से बचाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है वायरल इंफेक्शन को ठीक करती है अगली दवाई इसमें पिकैक डाली गई है छाती में अगर पेशेंट को पेन हो या फिर पेल्पिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हो साथ में वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो तो ऐसे में ये दवाई बहुत असरदार रहती है ऐसे ही अगली दवाई इसमें एंटीमटार्ड डाली गई है अगर पेशेंट को छाती में बलगम जमा हो गया हो साथ में खांसी बहुत ज्यादा हो और ऐसे में अगर पेशेंट को छाती में दर्द हो गला दर्द कर रहा हो तो उसको भी ठीक करती है खांसी को ठीक करती है बलगम को बाहर निकालती है अगली दवाई इसमें ब्रायनिया एल्बा है सूखी खांसी में इसे हम ज़्यादातर पेशेंट को देते हैं निमोनिया में भी बहुत असरदार रहती है अगर पेशेंट को खांसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हो बार बार खांसी होती हो तो ऐसे में से हम पेशेंट को देते हैं कुछ और दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं जैसे नेट्रम सल्प जिसमें पीलावल कम हो तो उसमें बहुत असरदार रहती है ऐसे ही लाइकोपोडियम दर्द में भी राहत देती है खांसी को भी ठीक करती है कुछ और दवाइयाँ ऐसी इसमें डाली गई हैं जो कॉम्बिनेशन मिलकर ये खांसी को पूरी तरीके से ठीक करता है ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है अगर पेशेंट को लंग्स में सूजन देखने को मिल रही हो या फिर उसमें खांसी के कारण दर्द हो रहा हो बलगम जमा हो गया हो तो उस सब में असरदार रहती है अब हम बात करते हैं कि आर ई पी एल ट्वेंटी वन के डोज़ क्या होते हैं यानी लेने का सही तरीका क्या होता है बड़ों में इसको दिन में तीन से चार बार दें इसकी लगभग दस से पंद्रह ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद बच्चों में इसकी पाँच ही दें थोड़े पानी में डालकर लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई न खाएं अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिल लें उनको सिम्टम्स बता दें या चेकअप करा लें कि क्या परेशानी है कब से हो रही है सारे सिम्टम्स बताने के बाद केस टेकिंग के बाद ही पता लग पाएगा आपको कौन सी दवाई दी जाएगी उसकी क्या पोटेंसी रहेगी और क्या डोजेज रहेगी नहीं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं और वीडियो को शेयर करना न भूलें थैंक यू